नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ आप सबको स्वागत करता हूँ बीएन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मिडिल रिएक्टिव मेटल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ओर से हम उसको कैसे बाहर निकालते हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे जब भी हम मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल का बात करते हैं तो मिडिल रिएक्टिव मेटल में कौन कौन सा आ जाता है? जिंक, आयरन, लीड, ये सारा चीज़ मिडिल रिएक्टिव मेटल में आ जाता है। तो मेनली जो मेटल जो है, जिंक, आयरन, लीड, ये सारा मेटल्स जो है जनरली या तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके रहता है या फिर सल्फर के साथ में और कार्बन के साथ में, ओके, कार्बोनेट के साथ में कंबाइन करके रहता है। तो मेनली हम तीन ओर में इसको पाते हैं, जो मिडिल रिएक्टिव मेटल जो होते हैं तीन ओर में पाया जाता है, ऑक्साइड ओर में या फिर सल्फाइड ओर में या फिर कार्बोनेट ओर में। तो इसको हम कैसे डिस्कस कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज सेम है, तो उसमें से मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो सबसे इजी जो होता है, यहाँ पे अपने हम देखा कि ये तीन जो है मिडिल रिएक्टिव मेटल में आ जाते हैं, तो ये तीन फॉर्म में पाया जाता है, तीन ओर में पाया जाता है, या तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके रहता है या फिर सल्फर के साथ में कंबाइन करके रहता है या फिर कार्बोनेट के साथ में कंबाइन करके रहता है। तो सबसे इजी ये तीनों में से, या फिर अगर आप कोई एलिमेंट कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है तो इसको सबसे इजी होता है इससे निकालने के लिए, लेकिन सल्फर और कार्बोनेट के साथ में कंबाइन करके रखा है तो उसको कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम द देयर ऑक्साइड देन देयर सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। दैट मीन्स ऑक्साइड ओर में अगर कोई मेटल है तो हमको ईजी हो जाता है उसको निकालने के लिए। सो नॉन ऑक्साइड जो भी सल्फर और जो कार्बोनेट ओर जो है उसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सल्फर के साथ में जो कंबाइन करके रखा है या फिर कार्बोनेट के साथ में कंबाइन करके रखा है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हम अगर कोई सल्फाइड ओर है, कोई एक सल्फाइड ओर है, देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक जो है सल्फर के साथ में कंबाइन होकर रखा है, जिंक सल्फेट जो है इसको हम जिंक सल्फेट बोलेंगे, जिंक सल्फर के साथ में कंबाइन होकर, तो इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। दैट मीन्स जो सल्फाइड ओर है उसको हम रोस्टिंग करेंगे, ओके, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग द ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इस ओर को हीट करेंगे, दैट मीन्स जिंक सल्फेट को जो हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अभी ये क्या हो गया, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड, और साथ साथ में एक गैस भी निकल के आया, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस निकल के आ गया, ओके। लेकिन कोई अगर एक एलिमेंट कार्बोनेट के फॉर्म में है तो हम उसको कैसे करेंगे, उसमें हम रोस्टिंग नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे कैल्सिनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, जब जिंक कार्बोनेट, ओके, जिंक कार्बोनेट किसके साथ में, कार्बोनेट के साथ में कंबाइन होकर रखा है, तो इसको भी हीट करेंगे लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने इसको हीट किया तो हमको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, और एलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के चला गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी सल्फर ओर होता है, सल्फर के साथ में कोई मेटल उसके साथ कंबाइन होकर रखा है, उसको हम रोस्टिंग करके उसको हम पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगर जो कार्बोनेट के साथ में कंबाइन होकर रखा है उसको हम कैल्सिनेशन करेंगे, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करेंगे और उसको ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड, जब भी ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, इसको हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड है हमारे पास में, और किसके साथ में हमने रिएक्शन कराया, कार्बन के साथ में, बिकॉज कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम कार्बन के साथ में इसको रिड्यूस कराते हैं तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल के चला गया और हमको जिंक जो मेटल है हमको मिल जाता है। तो उसके बाद ये जो मेटल को हम भी रिफाइन करेंगे, प्योर करेंगे, वो इस टाइप से हमको मिडिल रिएक्टिव मेटल को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर से बताऊँ, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कॉन्सेप्ट मैप बना लीजिए। कॉन्सेप्ट मैप किस टाइप से होगा, जो जिंक आयरन लीड जो है ये मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, मिडिल रिएक्टिव मेटल है, तो इसको निकालने के लिए या तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ में रहेगा या फिर सल्फर के साथ में रहेगा या फिर कार्बोनेट के साथ में रहेगा। अगर ये मेटल जो है सल्फर के साथ में है तो उसको हम रोस्टिंग करके उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के ओर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कार्बोनेट के साथ में है तो उसको कैल्सिनेशन करके उसको हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमको ऑक्साइड ओर मिल जाता है, ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करेंगे किसके साथ में, कार्बन के साथ में, कार्बन जो कोक, ओके, कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस करके हम इसको क्या करेंगे, जिंक को, दैट मीन्स मेटल को हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज द मेथड हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द मिडिल रिएक्टिव मेटल, ओके। होप यू अंडरस्टूड द टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।